फटफट डरा। अभी भी फिक्र उसकी है। स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए सलार के इंट्रोडक्शन सीन का रिएक्शन। सो जैसे आपने मेरा रिव्यू तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि सलार का मूवी रिव्यू मैंने कर दिया, और मैंने मूवी देखी थी तो मुझे काफी अच्छी लगी थी। लेकिन मैं अभी स्पॉइलर कुछ मैंने इसको दिया भी नहीं है और कुछ बताया भी नहीं था। इवन इसको बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट मैंने कुछ रिवील नहीं किया। सो इट विल बी हर फर्स्ट टाइम वॉचिंग सलार। हाँ, और हमने इनका सॉन्ग्स के रिएक्शंस हमने किए थे, सॉन्ग्स बहुत ही प्रिटी थे। और मेरे को एक मतलब ये पता लगा कि ये पूरा थीम इनका डार्क थीम है पूरे मूवी में, है ना, ऐसा ही है कुछ मतलब बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा डार्क मूवी है ये। पर वो जैसे KGF भी है तो वो भी वैसी थी, तो मैंने KGF भी नहीं देखी। ये हमारे यूनिक लोग हैं, एग्जांपल मत दे, यूनिक लोग हैं। तो वो मतलब अगर तुमने थोड़ा जैसे सलार का ट्रेलर भी देखा ही था तो उसका कैसा था, पूरा वो डार्क वाइब है वैसा, क्योंकि वो जगह वैसी है, लोग वैसे हैं, तो वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। मैं टू बी ऑनेस्ट ना श्रुति हसन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो देखो क्या लगता है इंट्रोडक्शन सीन में कौन देखने को मिलेगा? देख, जैसे कि सॉन्ग्स पे हमने रिएक्ट किया है तो मे बी उनका बचपन दिखा सकता है, बिकॉज वो बचपन पे पूरा वो सॉन्ग था, फ्रेंडशिप थी, फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे वो लोग। मे बी बचपन ही दिखाएंगे, हो सकता है। ऊपर से मेनली चीज है कि सबको वेट होता है प्रभास कब आएंगे, तो आगे का मैं नहीं बताऊँ क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चीज हम देखते हैं। तो रिव्यू में बोला था ना कि प्रभास को मतलब स्क्रीन टाइम थोड़ा कम दिया गया है। अच्छा, तुमने रिव्यू देखा था? रिव्यू देखूंगी ना यार। ओहो, यहाँ पर खुद भी देख लिया था। चलो कोई नहीं, तो रिव्यू में तुमने स्पॉइलर, मैंने स्पॉइलर दिए भी नहीं थे। स्पॉइलर नहीं, तो यहाँ तक था, बस यहाँ तक। तू बोल रहा था काश मैं पूरा आपको बोल रहा रिलेट कर पाते, क्योंकि मूवी थी वैसी बहुत लेजेंडरी, एक मजा आया था मूवी देखने में। तो फिर देखते हैं आप लोगों के साथ भी, तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। దూరంగా ఉన్న ఒక ప్రాంతంలో పగలు శత్రుత్వాల మధ్య విడదీయలేని స్నేహం ఉండేది. ఎవడ్రా, ఎవడు? రే దేవా, వద్దురా, వెళ్దాం పదా. చెప్పరా ఎవడు? కాన్ తావో. రే దేవా, ఎందుకురా ముట్టునా? దేవా ఆగరా. నువ్వేదో పెద్ద ఆర్మీని తీసుకొస్తావు అనుకుంటే వీడొక్కడినే తీసుకొచ్చావా? మా నాన్నకి పుట్టినంత మాత్రాన ముక్కు పోగు పెట్టుకునే హక్కు రాదు, దాన్ని సాధించుకోవాలి. ఆ పైల్వాన్ని చూసావా? వాడే నా పుంజు, ఇప్పటి వరకు వాడు కింద పడిందే లేదు. పడే ముక్కు పోగిచ్చేస్తా. అది ఎలా కుదురుతుందిరా, వీడు వాడిని ఎలా పడేస్తాడు? బలవంతం ఏం లేదు, ముక్కు పోగు నా దగ్గరే ఉంటుంది, నువ్వు ఇక వెళ్ళొచ్చు. స్టెప్ బ్రదరు, నీకు నా గురించి తెలుసు కదరా. నీకు వాడి గురించి తెలీదు. వాడు నిన్న ఏదైనా చేసేలోపు నువ్వే ముక్కు పోగిచ్చే. అబ్బా, ఏం చేస్తాడ్రా? చెప్పరా, ఏం పీకుతాడ్రా? अब तो क्योंकि सबको पता है वो कहाँ जीत पाएगा उस रेस्टर से। ये वो बल वर्सेस बुद्धि है ना। हाँ, oh
क्या लगता है क्या करेगा? शौक लगेगा विक्री का उनको, वो पहलवान को इससे भी ज्यादा क्रोध पकड़ लेता है। देवा। कैसे क्यों पर? उसको गिराने के लिए। यार मेरे को लगा वो उसके लिए पहलवान के लिए। फटफट डड़ा। अभी भी फिक्र उसकी है। वो गिरा क्या? नारा नारा नारा। जो बोला था वो कर दिखाया। आज तक कोई नहीं गिरा पाया। बरा अब है మళ్ళీ వాడి ముక్కు పోగు ముట్టుకుంటే ఈసారి నా చేతిలో కరెంటు తీగ కాదు, కరెంటు పోలుంటది. పదరా ఏ దోనుకి దోస్తి ఏ సలార్ పదా నీ లోగో కో క్యూ సవాల్ దే ఇస్ మూవీ కే బారే మే. मेरे को तो मजा आया। मतलब अच्छी लगी नहीं लगी, मेरे को तो मजा आ रहा। दूरंगा उन्ना प्रांतंलो युद्धम ओडिपोते अन्नी कोल्पोयिनट्टे जो है उतना अमीर नहीं है। एक देवा नॉर्मल एक विलेजर है। ये लोग जो है ना उसके घर पे आके उसको मतलब उसकी देवा की मम्मी है। हाँ मतलब प्रभास की मम्मी। हाँ सो उन्हें घर से निकालने भी आए हैं उनकी मम्मी के साथ। पर ये एक बहुत वो है, एक लीडर का बेटा है। उसकी बात मानी जाती है। दुरा, अदुरा कंडी, इधर मी नाना गारी आन्या, यावर वो आप अकुड़ा दो, जरगाल सिंदे। వదిలేస్తే బదులుగా నా టెరిటరీ ఇస్తాను. వరద ఒక్కసారి ఆలోచించు. టెరిటరీస్ ఏ జ్యువెలరీ దేనా సో ఉస్కే పాస్ ఏరియాస్ హై గాటిస్తా జైసే మాన్ లో గుజరాత్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తెలంగాణ అచ్చా ఈ స్టేట్స్ హై మతలబ్ ఉస్నే బోలా మే గుజరాత్ దే దూంగా దేగా ఉస్కో ఛోడ్ దే. वो फ्रेंडशिप उसको इतना मायने रखती है। मन को ना टेरिटरी लो आधे आने ठिकाना पैदा दे अंधु के इच्छन बाबा ये विषय बैठ यब्बर के तले कर दो तले बा रंगा रानी उन्होंने कुछ दिया होगा कि ये गांव खाली कराओ घर खाली कराओ ऐसा कुछ। देवा नीनुन्नानुगा नेनु कादुले
మీరు ఇక్కడ ఉండకూడదు, వెంటనే బయలుదేరాలి. దూరంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో విడదీయలేని స్నేహం కూడా విడిపోవాల్సి వచ్చింది. త్వరగా పెట్టండి రా. ఉస్కిలే సేఫ్ నీ రే కదా బ్యారే. నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ అడుగు పెట్టనని మాట్టివరా? ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడే వదిలేస్తున్నా, మాటివు. और यहाँ वापिस कभी नहीं आएगा यार. और उसका बेस्ट फ्रेंड, पर वो ये प्रॉमिस नहीं करता, कर ही नहीं सकता वो. कैसे? सच में भी? पर प्रॉमिस करेगा एक कुछ. नी कोसम यराइना होता सोराइना होता नी वो कड़ी कोसम तेरे लिए कुछ भी. नू ये पुड़ पिलचीना नीनी कड़ी कोस्ता ये है दोस्ती की. तू बुलाएगा तो आऊंगा. నీకు గుర్తుందో లేదో, చిన్నప్పుడు నీకు కథ చెప్పేవాడిని. పర్షియన్ సామ్రాజ్యంలో సుల్తాన్ ఎంత పెద్ద సమస్య వచ్చినా తన బలమైన సైన్యానికి కూడా చెప్పకుండా ఒక్కడికే చెప్పేవాడు. సుల్తాన్ కావాలనుకున్నది ఏదైనా తెచ్చిచ్చేవాడు, వద్దనుకున్నది ఏదైనా అంతం చేసేవాడు. వాడి పేరు గుర్తుంది బాబా. वहां से नाम पड़ा. ये होता है इंट्रोडक्शन. मेरा वो जो मैंने गेस किया था वो बिल्कुल सही था कि इनके बचपन से फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है. बट जो ये ट्रेलर में हमने ट्विस्ट देखा ना, मैं मेरी सुई वहीं पे अटकी हुई है कि ये क्यों डिवाइड हो गए, किसने मिसअंडरस्टैंडिंग डाली है बीच में. तो स्टार्ट हुई है मूवी इनका बॉन्ड देख के, मतलब वो जो सलार का वो था कि तेले भी एक सलार बैठा है, दैट वाज अमेजिंग. ऐसी दोस्तियां मेरे को लगता है कहां आजकल नहीं देखने मिलती है ऐसी दोस्तियां. पर इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कहां हुई? इनका टूटा थोड़ी ना, इनका तो ये हुआ कि उसने सेफ्टी के लिए इसको बाहर भेजा. नहीं अभी नहीं, वो हमने ट्रेलर में देखा था. हाँ वो तो अभी बाद में आएगा, वो चीज तो बहुत बाद में आई. तो मेनली यहाँ पे तो यही हुआ कि इनके कंसार में रहना मुश्किल हो गया था इनके लिए, क्योंकि इनके जो फादर थे शायद वो अब अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो वो सबको परेशान कर रहे थे. इनको निकलवा दिया कि तू दोस्त तू तो निकल जा यहाँ से. पर इसका वो इंट्रोडक्शन सीन कैसा था, लाइक मेरे को भी पता, जब मैं सीन देख रहा थिएटर में तो मेरे को था वो तार लेके उसको मार देगा, मेरे को भी कुछ होगा और वो गिर के वो हो जाएगा. पर वो चीज अलग थी, तार पकड़ ली और फिर उसको झटका दिया. बहुत बड़ा ट्विस्ट था सच में. एंड वहीं वो झटके से, और एक्चुअली वो बहुत खतरनाक चीज होती है. एक सेकंड भी नहीं सोचा, बस इसे निकाल के दे दिया दोस्ती के लिए कुछ भी. और वो उनके पास तीन टेरिटरीज थी, पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी वाली दी है. लो भाई तुम ये चलाओ पर मेरे दोस्त को छोड़ो. तो ये दोस्ती से पूरा ये फाउंडेशन बैठी है इस मूवी के. देखेंगे आगे कैसा होता है. तो आप लोग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा. तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए. बाय.